पीएम मोदी आज पहली बार जाएंगे मालदीव। नव निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी जाएंगे मालदीव। शपथ ग्रहण के बाद सोलिह के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी शामिल होंगे मोदी। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग, मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहले चरण में 536 पंचायत हलकों और 4048 पंच वार्डो में हो रहा है मतदान। 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। भोपाल में आज जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। अरुण जेटली और सीएम शिवराज सिंह जारी करेंगे संकल्प पत्र। गरीबों और किसानों की योजनाओं पर हो सकता है जोर। छत्तीसगढ़ में आज एक दूसरे को चुनौती देंगे अमित शाह और राहुल गांधी। शाह धमतरी में तो राहुल गांधी सरगुजा में करेंगे सभा। झारखंड के सीएम रघुवर दास आज छत्तीसगढ़ में करेंगे 4 चुनावी सभाओं को संबोधित। 18 नवंबर को भी सीएम की 4 रैली। मध्य प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस में परिवार पहले देश बाद में। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस को चुनौती। गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दिखाए। पीएम मोदी ने नक्सली हमले के बीच मतदान करने के लिए जनता का धन्यवाद किया। कहा एक तरफ हत्याएं कर रहे थे लोग तो दूसरी तरफ लोग कर रहे थे जमकर मतदान। पीएम मोदी ने कहा देश में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जो बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए काम करती है। बीजेपी धर्म जाति क्षेत्र की सियासत में यकीन नहीं रखती। अंबिकापुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को सत्ता के लिए बेचैन बताया। कहा कांग्रेस पार्टी को नींद नहीं आ रही है। हमारी राजगद्दी को चाय वाला कैसे चुरा ले गया। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा कांग्रेस में पीएम बनने के लिए नेहरू गांधी परिवार का होना जरूरी। मध्य प्रदेश के सागर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा पीएम मोदी पहले करप्शन की बात करते थे आजकल बोलना बंद कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी पर हमला बोला देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया। राहुल गांधी ने रोजगार पर भी पीएम मोदी को घेरा। कहा अपने वादे पर खरी नहीं उतरी सरकार। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। पीएम पर तंज कसते हुए कहा 15 लाख अकाउंट में आने की बात करते थे लेकिन आए कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहले चरण के चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 19 कर्मचारी निलंबित। सभी पर चुनाव संबंधी प्रशिक्षण के समय गैर हाजिर रहने का आरोप लगाया। राजस्थान के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी अमित शाह समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सूची में सबसे ऊपर। राजस्थान कांग्रेस में फिर बड़ी खींचतान। टिकट बंटवारे पर सचिन पायलट और गहलोत में बढ़ा विवाद। एमपी से राहुल की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। बैठक के बाद बोले गहलोत कुशासन का अंत फूका रहेगा। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा। बस्सी से कांग्रेस के उम्मीदवार दौलत मीणा का विरोध। हंगामे को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बवाल। शिवकांत नंदवाना और पंकज मेहता के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। नंदवाना और मेहता कोटा दक्षिण से मांग रहे थे टिकट। तमिलनाडु में गज तूफान से 13 लोगों की मौत। 76,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गज तूफान से प्रभावित तमिलनाडु को केंद्र हर संभव मदद देगा। पीएम मोदी ने सीएम पलानी सामी को दिया भरोसा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर लगाई रोक। बिना अनुमति राज्य में सर्च और छापेमारी नहीं कर सकी सीबीआई। चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का मिला नायडू को समर्थन। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई की एंट्री पर रोक। सूत्रों के हवाले से खबर। राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी केंद्रीय एजेंसी की जांच पर रहेगी पाबंदी। सीबीआई विवाद में सीवीसी की रिपोर्ट में आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा जांच की जरूरत। अगली सुनवाई 20 नवंबर को। सभी पक्षों को सीवीसी की रिपोर्ट की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के देने का आदेश। कोर्ट ने कहा हर हाल में बनी रहे गोपनीयता। नेशनल हेराल्ड केस में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया अर्बन नक्सल। कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले एक जैसे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को सीएम ममता ने बताया रावण यात्रा। कहा रथ यात्रा के बाद निकालेंगे पवित्र यात्रा। गोपाष्टमी के मौके पर टीएमसी की गौ पूजा। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में टीएमसी नेता ने आयोजित की गौ पूजा कार्यक्रम।
कहा पार्टी की नीति कुछ भी हो वो गाय को माता मानते हैं। कड़ी सुरक्षा में 62 दिनों के लिए खुला सबरीमला मंदिर, 22 नवंबर तक धारा 144 लागू। विरोध के बाद कोची एयरपोर्ट से बैरंग लौटी एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई। भीमा कोरेगांव केस में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, चार्जशीट में पीएम की हत्या की साजिश का दावा। मीटू मामले में नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग को दी सफाई, सूत्रों के हवाले से खबर, तनुश्री दत्ताकार को बताया झूठा। शिरडी के साईं को शिल्पा शेट्टी ने भेंट किया 25 करोड़ का मुकुट, परिवार के साथ साईं दर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। नक्सली और आतंकियों की अब खैर नहीं, किसी भी ठिकाने को तलाश लेगा डीआरडीओ का शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर, पहली बार कानपुर डिफेंस एक्सपो 2018 में हुआ प्रदर्शन। पंजाब के गुरदासपुर पुलिस ने जारी किया जैश के खूंखार आतंकवादी जाकिर मूसा का पोस्टर, फिरोजपुर में 6 से 7 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पंजाब में अलर्ट। बिहार एनडीए में जेडीयू और आरएलएसपी के बीच बढ़ती जा रही है दूरियां, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कुशवाहा के मन की बात कुशवाहा ही जाने, किसी के जाने से कमजोर नहीं होगा गठबंधन। बिहार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश, बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल कोर्ट ने जारी किया इश्तहार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री कर सकती है सरेंडर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में नए मास्टर प्लान की मंजूरी, मुंगेर बेगूसराय दरभंगा पूर्णिया और छपरा होगी आधुनिक सुविधाओं से लैस सिटी, मंत्रिमंडल में 8 एजेंडों पर मुहर। बिहार बोर्ड ने किया मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 6 फरवरी से इंटर और 21 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम, होम सेंटर पर होगी मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा। यूपी के अयोध्या में संपन्न हुई 14 कोसी परिक्रमा, हजारों श्रद्धालुओं ने 42 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण का बयान, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले होगा राम मंदिर का शिलान्यास। बीएचयू के संस्थापक अशोक सिंघल की पुण्यतिथि के मौके पर बीएचयू में राम मंदिर को लेकर आज सेमिनार का आयोजन, सुब्रमण्यम स्वामी लेंगे हिस्सा। बलरामपुर में बजरंग दल ने गोपनीय तरीके से त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया, इसके जरिए नए कार्यकर्ताओं को राम मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाया जा रहा है। गाजीपुर में बीजेपी आज कमल संदेश यात्रा बाइक रैली निकालेगी, कमल संदेश यात्रा आरटीआई मैदान से सुबह 11 बजे रवाना होगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नक्सली अर्बन नक्सलियों से ज्यादा धार्मिक और जातिवादी नक्सली खतरनाक। यूपी के शाहजहांपुर में एक्सीडेंट के बाद टैंकर ड्राइवर की जमकर पिटाई, पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने पीटा ड्राइवर की हाल गंभीर। अलीगढ़ में एक युवक का मुंडन कराकर गांव में घुमाया गया, लड़की के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने पर अपमान किया गया, परिजनों ने डीएम से लगाई इंसाफ की बात। यूपी के एटा में छात्रा को छेड़ना, एक मजनू को भारी पड़ा, ग्रामीणों की मदद से मजनू और उसके साथी की जमकर धुनाई, दोनों को पुलिस ने भेजा जेल। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, ग्रेटर नोएडा में वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। अलीगढ़ के कुवारसी थाना इलाके में महेशपुर फाटक के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। वाराणसी में 23 नवंबर को मनाई जाएगी देव दिवाली, इस त्यौहार को ग्रैंड वे सेलिब्रेट में तैयार करने की तैयारी, नाविकों से लेकर होटल इंडस्ट्री तक बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी में जुड़े। मध्य प्रदेश के खंडवा में गिरफ्तार किए गए इनामी बदमाश का जुलूस निकाला गया, 1.5 महीने पहले एक नाबालिग बच्चे को गोली मारकर फरार था यह बदमाश। बिहार के दानापुर में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की।